अभिनेता विद्युत जामवाल की अपकमिंग फिल्म शेर सिंह राणा की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। ये वही शेर सिंह राणा है जिसने 25 जुलाई 2001 को डाकू से सांसद बनी फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के दो दिन बाद देहरादून में शेर सिंह राणा ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 3 साल तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद 17 फरवरी 2004 को राणा जेल से फरार हो गया। 2 महीने देश में अलग अलग जगह भटकने के बाद वो बांग्लादेश और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा, जहां से उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर अफगानिस्तान के गजनी से हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रखी हुई अस्थियां 2005 में भारत लाए। इस पूरी घटना का बकायदा राणा ने वीडियो भी बनाया है। इसके बाद राणा ने अपनी माँ की मदद से गाजियाबाद के पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया, जहाँ पर उनकी अस्थियाँ आज भी रखी हुई हैं। साल 2006 में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। साल 2014 में दिल्ली की अदालत ने राणा को फूलन देवी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा और 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने शेर सिंह राणा को अंतरिम जमानत दे दी।